लेट्स से ये हमारी एक अमेजिंग सी टी पॉट है, रेड कलर की। ये इसका स्पाउट है, पीछे एक हैंडल बना हुआ। अब होगा क्या उस वाले पास में, जैसे वो मैंने आईडी सेट किया था ना, वन वन होगा वो रेड कलर, टू क्या होगा ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन भी जो है वो प्योर ग्रीन है। अब पीछे क्या है, लेट से मैं कहता हूँ जी ये सिलेंडर है हमारे पास पीछे, ठीक है। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो उससे अगला पास होगा वो कौन सा होगा, ब्लू वाला, यानी ब्लू। ये मैं क्या कहता हूँ जी, लेट से ये एक प्लेन है, और वो प्लेन कैसे, वो प्लेन ऐसे होगी इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कट होके टोटल, ये जस्ट एक मैंने रफ एग्जाम्पल दिया। अब किस सिचुएशन में ये यूजफुल है, यूजफुल इस सिचुएशन में है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टीपॉट भी आपके पास है, प्लेन भी आपके पास है, और ये सिलेंडर भी आपके पास है। रेंडर में आपको इसको सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास एक अदर जो ऊपर से लगा होता है ना, मटेरियल लगा हुआ होगा या कुछ इस किस्म की कोई चीज़ लगी हुई होगी, उसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। लेट्स से मैं कोई भी जैसे मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्ट करूंगा ना, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन इस पास से जैसे मटेरियल आईडी है ना, हमने उसको क्या शो किया हुआ था, वन किया हुआ था या टू किया हुआ था, वन किया, टू किया, थ्री किया, उसके बाद हम इसका ना कलर को असाइन करके, तो इस तरह आप उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते। अब ये होगी सिलेक्ट होगी मेरे पास, अब नीचे लेयर के अंदर अब इसी तरह टीपॉट पड़ी हुई है ना, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। अब मेरे पास टीपॉट पड़ी हुई ना, तो नीचे मेरे लिए उस टीपॉट के जो कलर एडिट करना है ना वो इजी हो जाएगा। कैसे, अब मैं इसको कंट्रोल जे करूँगा, एड कर, यानी कि सिर्फ मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन आ गई, समझ रहे ना, यानी उस ऑब्जेक्ट की एक सिलेक्शन मेरे पास सेपरेट आ गई हुई है। तो क्या होगा कि आप उसको एडिट करना इजी होगा, लेकिन जो कोरोना में पास पड़ेंगे ना, वो ऑब्जेक्ट आईडी पास है, वो ऑटोमेटिकली इस तरह के काफी सारे कलर्स आपको बना के दे देता है, तो वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। लेआउट से क्या होता है, जितने आपके मटेरियल है ना, उन सबको आपने ना लेआउट करना है। इधर से मैंने शिफ्ट किया हुआ, शिफ्ट किया हुआ, शिफ्ट किया हुआ, लेआउट ऑल ऐसे, उसने सबको एक अरेंजमेंट में ना करके आपको दे, ठीक है। अभी लेफ्ट टू राइट होता है फ्लो हमेशा इसका, मैथ्स का कई सॉफ्टवेयर में राइट टू लेफ्ट भी है, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट। अब इसी तरह लेआउट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब क्या है, वही अगर आपके पास चक्कर लगा हुआ, आपने कहीं यहाँ साइन किया हुआ है लेट से इस जगह के ऊपर, और आपने इसको मैं थोड़ी देर मूव चिल्ड्रन कहीं और कर देता हूँ, मूव चिल्ड्रन टिक कर देता हूँ, यहाँ पे पड़ा हुआ क्लिक किया तो साथ उसके वो सारे के सारे नोड चला गए। अच्छा ब्लड से आपने किसी तरह इसको मूव करना है ना, तो सी की कीजिए, साथ नोड प्रेस किया वो बजाय उधर ऊपर बटन जाके करने के, सी की प्रेस कर दिया ऐसे सी, ठीक है। यानी जो भी इसके साथ नोड होंगे ना, बस आपने मटेरियल ड्रैग करना है ऐसे, वो साथ आ जाएंगे। एच की कीजिए से हाइड अन हाइड हो गया, ठीक है। डबल क्लिक करके आपने इसको बड़ा कर लेना प्रीव्यू के लिए। जी की कीजिए से वो सिर्फ उस तक जूम हो गया। ये सारी शॉर्टकट कीज हैं, ये आपने जरूर याद रखी है, क्या सी एच और जी, ठीक हो गया। कुछ भी मैप ब्राउजर साइट पे ही आपके पास मैप ब्राउजर आ रहा है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसी तरह ये प्रॉपर्टीज आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज करनी, नेविगेटर तो वैसे ही बंद रखें, नेविगेटर मैं वही नहीं कर, नेविगेटर आप इधर से लेके आ सकते हैं, ये टूल्स में नहीं है नेविगेटर, ठीक है। हाँ एंड आप किसी वक्त जो है ना नेविगेटर को लेके आ सकते हैं। अच्छा अब ऐसे हमारे पास इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, आप इसको लेफ्ट टू राइट ही रखें, राइट टू लेफ्ट ना रखें, क्योंकि ये अपनी पर्सनल सिर्फ प्रेफरेंस है। लेफ्ट टू राइट रखे, मैथ्स वाले लोग ज़्यादातर लेफ्ट टू राइट यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जितने भी ट्यूटोरियल भी देखेंगे ना, उसमें सब लोग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। अगर आपने राइट टू लेफ्ट किया ना, तो फिर वो समझना ना ट्यूटोरियल्स को, ये इस तरह ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
अब हम आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल उसके ऊपर एस्पेक्ट के ऊपर। मैं एक स्टैंडर्ड मटेरियल लेता हूँ, उसको मैंने ऐसे ड्रैग किया है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। जो कहानी शुरू होने वाली है ना वो अब शुरू होने वाली है। डबल क्लिक किया मैंने, इसकी प्रॉपर्टीज ले आए। स्टैंडर्ड मटेरियल को आप समझ जाएंगे ना तो आप हर मटेरियल को समझ जाएंगे। ख्वाह वो वीरे, ख्वाह वो करेन करोना है, ख्वाह रेड शिफ्ट है, जो भी रेंडरर है, मैटर नहीं करता। असल चीज़ मैटर क्या करती है कि आपने टेक्निक समझ ली कि मटेरियल बनाना किस तरह। अब कैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मटेरियल बनाने से पहले ना मटेरियल को समझना ज़रूरी है। अब इसको मैं सामने रख रहा हूँ, क्या चीज़ फील हो रही है हम सबको देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम इसके यानी स्ट्रक्चर के क्या फील हो रहा है। स्टील है, मैश है, प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन आपको कैसे लग रहा है स्टील? हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली हार्डनेस भी हो सकती है, लेकिन आज हम सब अलिमाम में भी काम करते हैं, आपने ऐसे ऐसे टेक्सचर देखे हैं। बल्कि आजकल तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वुड जो तैयार हो रही है, आर्टिफिशियल जो वुड तैयार हो रही है, वो मेटल के पैनल्स हैं और टेक्सचर उसके ऊपर ऐसा इंग्रेव किया और उन्होंने देखने में वुड लग और बड़ी ग्लॉसी किस्म की वुड लग, लेकिन वो वुड नहीं है। ऐसा ही कहने का मतलब ये है कि जो उसके ऊपर जो पेंट हुआ वो ना कोटिंग हुई हुई है। टेक्निकली ये डेफिनेटली मेटल है, लेकिन वो तो हमारा जहन हमें बता रहे ना कि मेटल है, लेकिन ये जो उसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है ना, ये पेंट की शाइनी, ये चीज़ हमें बता रही है कि पेंटेड मेटल है। ठीक है, ये जो भी इसके ऊपर जैसे ये पेंट किया हुआ ना, ये मेटल नहीं है, ये एक्चुअली में पेंट की खसूसियत है कि ये चीज़ हमें बता रही है कि पेंट है। अब बड़ा गौर से देखो, कुछ फील हो रहा है इसके ऊपर और क्या फील हो रहा है? लाइट का इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट आ रहा है। और एक्चुअली मैं, अब हम सब लोग 3D आर्टिस्ट हैं, तो 3D हो गए, हम इसको कहते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं हाईलाइट, यानी दूसरे लफ्ज में इसको आप स्पेक्युलर भी कहते हैं, यानी कि स्पेक्युलर हाईलाइट। ठीक है, अब ये दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक होती है लाइट की रिफ्लेक्शन, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मटेरियल एडिटर ओपन करने लगा, उसका मैं राइट क्लिक, ओपन प्रीव्यू विंडो, बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि असल कहानी यहीं पर है, इसके बाद कहानी कोई नहीं है। अगर ये आपको समझ आ गई ना तो आप हर मटेरियल में आ गए। प्लास्टिक तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफ्यूज कलर क्या है जी? ब्लैक है। आपने कभी भी जिंदगी में याद रखना, ब्लैक का मतलब जीरो नहीं है, ब्लैक का मतलब वन है। ठीक है, ठीक। आपने इसको बिल्कुल प्योर ब्लैक नहीं करना, क्योंकि प्योर ब्लैक कर दिया तो आपकी सारी की सारी लाइट उसमें अब्सॉर्ब होगी। फिर आप लाइट की इतनी क्रेजी इंटेंसिव अमाउंट ऑफ वैल्यू रखेंगे और आप ये सोचेंगे यार ब्लैक कलर का मैंने पेंट लगाया, लाइट नहीं आ रही थी। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो डार्क कलर्स होते हैं ना, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं,
ठीक है, और लाइट कलर जो होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये भी नहीं कि लाइट में हर कलर अब्जॉर्ब हो जाता है, स्पेक्ट्रम के अंदर जो आरजीबी कलर होते हैं ना, रेड ग्रीन और ब्लू, उसमें से कोई एक आधा कलर जो है ना, एक या दो कलर वो एब्जॉर्ब होते हैं। वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि वो कौन से कलर होते हैं, तो वो कोई एक आधा कलर उसमें से एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा। अब ब्लैक हमने किया, वन कर दिया, स्पेकुलर कलर ये क्या है, ये एक्चुअली में लाइट का कलर है, जैसे मैंने इसको येलो कर दिया। अब अभी तक ये शो नहीं हुआ, मैं इसको स्पेकुलर लेवल को बढ़ाता हूँ, क्या हुआ, शो होना शुरू हो गया। यानी क्या है, स्पेकुलर मीन्स लाइट। अब ग्लॉसीनेस क्या है, वो कितनी फैली हुई है, ठीक है, यानी जो उसका फॉल ऑफ है ना लाइट का, वो कितना फैला हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है, इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर भी है लेकिन इतनी फील नहीं हो रही। अब ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे हो रही है, अगर हम इधर आ जाते हैं, फील हो रही है रिफ्लेक्शन, जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ पे वो लाइट। अब क्या ये सिर्फ इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये रिफ्लेक्टेड मटेरियल, समझ रहे हैं, पॉइंट गेट किया। स्कोर वापस जीरो करने लगा, थोड़ा सा मैं इसको ऑरेंज की तरफ देख जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे, जैसे ही मैंने उसको इंक्रीज किया, यहाँ से आपको पता लग रहा होगा, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, यानी कि ये क्या है, लाइट। अब लाइट कौन सी है, अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है इस जगह, ठीक है, लेकिन अभी हम कहते हैं जी हमारे मैथ्स में सीन में कोई लाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एक लाइट लगाता हूँ, स्टैंडर्ड लाइट, ओमनी लाइट, इस पर मैंने क्लिक किया और शो क्यों नहीं हुआ, तो बताएगा लाइट क्यों नहीं शो हो रही रिपोर्ट इसका टारगेट। में बाय डिफॉल्ट जो ये जो स्टैंडर्ड मोड होता है ना, या किसी भी व्यूपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन में जो लाइट होती है ना, वो मैक्स के अंदर प्री डिफाइंड दो लाइटें होती हैं, वो हमेशा इस्तेमाल होती है। किधर से मैं आया हूँ, स्टैंडर्ड पर व्यूपोर्ट प्री सेट, इस पर अगर आप देखें ना, डिफॉल्ट लाइटें वन सीन लाइट, क्या है ये वाली, जैसे ही मैं इसको कहूँगा ना इल्यूमिनेट सीन लाइट, सीन लाइट में मैंने क्लिक किया, मैं ये थोड़ी क्वालिटी भी जो है ना वो हाई कर रहा हूँ, ऑटो डिस्प्ले इसको मैं कर रहा हूँ, शेडोज भी मैं ऑन कर देता हूँ, एम्बिएंट ओक्लूजन भी ऑन कर देता हूँ, रेंडरिंग लेवल को भी एडवांस कर देता हूँ, ओके कर दिया, चेंज हुआ नज़र आया। हो रही अंदाजा हो रहा है, यानी अब आपको क्या क्लियर हो गया कि ये स्पेक्युलर इज लाइट की रिफ्लेक्शन, यानी स्पेक्युलर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द ऑब्जेक्ट। अब हम वही अपना टूल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, मुझे हमने पढ़ा था कौन सा, यही था ना, नहीं है नॉर्मल लाइट, हाईलाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन का कलर हम इसमें स्पेक्ट करते हैं, जो लाइट का कलर होता है अपना वो दोनों मिलकर के दूसरे कलर, लाइट का कलर तो जनरली इल्यूमिनेशन के लिए ना। अब जैसे ये आप लाइट इस्तेमाल करेंगे तो ये लाइट का कलर वाइट है, इसके पीछे एक बटन होगा, इसको घुमाएगा यहाँ पे, नहीं, इस तरह नहीं था, रोटेट करने होगा, ये जो गोल सी नॉब लगी हुई है ना, हाँ इसको हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, घुमाएं थोड़ा सा और इसको नॉब, क्या हुआ, कलर येलो बोन, लेकिन उससे मटेरियल के उसके ऊपर नहीं फर्क पड़ा, ये स्टैंडर्ड मटेरियल है, इसके अंदर मैनुअल कंट्रोल है हमारे पास, लेकिन जो जैसे क्रोना है ना, क्रोना क्रोना ये कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक देगा, ये मैंने आपको मैनुअल करके दिखाया, ये मैंने आपको मैनुअल इंस्टॉल करके दिखाया, चेंज तभी आप कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते,
ये ओवरराइड है, ये कुछ चीजें ऐसी है जो रेंडर आपको, यानी ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। सिर्फ चूंकि आप कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको मैन्युअली कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है। करोना हो गया या वीरे हो गए, ये सब फिजिकली बेस्ड रेंडर है। फिजिकली बेस्ड का मतलब यही है कि यानी वो रियलिटी के बेस के ऊपर आपको आउटपुट देते हैं, पर फिर भी आपको इस तरह की वैल्यूज ओवरराइड करने देते हैं। जैसे ये कलर है, ठीक है, ये कलर आप ओवरराइड कर सकते हैं उसमें, कोई भी कलर चूज कर। अब लाइट का कलर भी आप रख सकते हैं, पर वो एक अलग चीज़ है। लाइट का कलर जो है जनरल एक एम्बियंस के लिए, ड्रैग करके रखना है लेफ्ट माउस बटन, ऐसे ड्रैग करके रखेंगे तो वो आएगा नजर। हाँ, क्लिक करने से नहीं होता, जैसे ही आप छोड़ देंगे ना कुछ भी नहीं आएगा। ये अगर मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करके क्लिक करूंगा ऐसे, कुछ भी नहीं हो। आपने सिर्फ लेफ्ट माउस नहीं छोड़ना, ड्रैग करके रखना, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, क्योंकि रेंडरर जितने भी है ना उन सब में यही है, मोर और लेस यही टेक्निक है, यही है। अब आप देख रहे हैं कि स्पेक्युलर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, यानी ये जनरली ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, इन द ऑब्जेक्ट। ओके यानी ये रिफ्लेक्शन है, ये इन्वायरमेंट की रिफ्लेक्शन है, दो डिफरेंट चीज़ें, लाइट की रिफ्लेक्शन और है, इन्वायरमेंट की रिफ्लेक्शन और है, ठीक है। आपने उसको सेपरेट रखना है दोनों चीज़ों। जो ब्लरिंगनेस आती है ना, जो ये जो हाईलाइट अपीयर हो रही है ना, अगर ये लाइट है ना इस जगह पे, इसको जरा करें वो दोबारा नॉब इसकी घुमाएं, ठीक है, तब भी आप उसका कलर वाइट ही लग रहा है, थोड़ा सा हल्का कहीं भी शायद येलो हुआ है, तब भी उसका, इसको बंद कर दें, वो दूसरी साइड के ऊपर नॉब इसी तरह की लगी होगी। हाँ, ये बिल्कुल ही येलो होगी, करें हाँ इस साइड पे करें, दो इसको इसी को घुमाएं पहले वाला, हाँ ये ठीक है, कम हो गया, क्या हुआ, हाईलाइट हल्की होगी ना, इसका मतलब ये कि इस लाइट की अब हाईलाइट या अब कम हो गई, ज़्यादा कर दें इसको, मतलब बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है, लाइट की रिफ्लेक्शन है, फिनोमिना समझ में आप। ओके बिल्कुल वाइट के ऊपर ले जाए, अभी भी येलो है। ठीक हो गया, पहली चीज हमारी सबसे पहले क्लियर हो गई। और ग्लॉसीनेस क्या है, जो उसका फॉल है, यानी कि वो लाइट कितनी ज्यादा फैल रही है, शार्प कितनी है और कितनी ज्यादा फैल रही है। अब ये जो चीज है इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे, ये जो लाइट है ना फैल रही है अभी, ये है ना, इसको मैं शार्प कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं और ज्यादा इसको शार्प करता जा रहा हूँ, अब ये फ्लावर है, ये कैसे डिटरमिन हो, और ज्यादा मैंने कर दी, और ज्यादा कर दी, यानी इतना मतलब वो बिल्कुल मैक्स ही जो ग्राफ ने ऊपर छोड़ दिया उसको, ठीक है, बिल्कुल छोटी हो गई, बिल्कुल स्मॉल रिफ्लेक्शन हो गई, और होगी और होगी, ठीक है। ये अब क्या है, ये कैसे आपको पता लगेगा, यार मैं इतनी चीज़ें देख रहा हूँ कैसे पता लगेगा, जो भी आपने मटेरियल बनाना है ना, आपने जब उसको स्टडी करना है। अब ये पेंटेड मेटल है हमारे साथ, जस्ट मैंने इसको पिक किया, मैं उसके यहाँ पर जो मुझे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है ना, वो ये नज़र आ रही है कि जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है ना, यहाँ नजर आ रही है आपके, यहाँ पे पड़ गई, वेरी सिंपल, थोड़ी सी ये ज्यादा है और उसके बाद ये थोड़ी फैली हुई है, कम नहीं है, फैली हुई, यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली फैली हुई है ऐसे, और ये थोड़ी सी कम है, यानी कि ऐसे। अब क्या हुआ, बन गई, मूवमेंट आ गई,
ओके फील हो रहा है ये हमने पहली चीज ब्लॉक आउट कर ली लाइट की रिफ्लेक्शन यानी हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब अगली चीज जो आती है ना वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन जो कि स्टैंडर्ड मटेरियल में नहीं होती उसके लिए हम जो है ना वो कोरोना ही स्टडी करेंगे वीरेगो बनी जाए स्टैंडर्ड मटेरियल के अंदर जो है ना वो रिफ्लेक्शन नहीं होती। आपको रिफ्लेक्शन किस तरह ऐड करनी पड़ती है इसमें एक रिफ्लेक्शन वाला स्लाइडर दिया हुआ है इसमें से जाके आप स्कैन लाइन में जाके रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट वाला एक नोड लगाते हैं। ये एक ऑफ टॉपिक है ये वैसे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जिस वक्त मैंने ये नोड लगाया ना तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई कि जी क्या है अभी ये 100% रिफ्लेक्टेड हो गया यानी कि क्या हुआ मिरर बन गया। ठीक है मैं इसको थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ कैसे कम कर सकता हूँ जो मैंने मैप्स लगाए हुए हैं इसमें मैं जा सकता हूँ 50% 20% 10% कर दिया यानी कि अब टेक्निकली ये इसकी रिफ्लेक्शन कम हो रही है लेकिन अब हमें भी एक अरसा गुजर गया हुआ स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करते इस्तेमाल किए हुए नहीं किया। ठीक है लिहाजा जो है ना वो इसको हम भी कंटिन्यू नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ आपको मैंने बताने के लिए कहा है कि रिफ्लेक्शन ये यानी ये रिफ्लेक्शन है कि जो इस वक्त टैबलेट के ऊपर आ रही है ना ग्लॉसी रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट। ठीक है इसी तरह हमारे पास डिफ्यूज कलर अलग है यानी ये डिफ्यूज कलर अलग है। तो टेक्निकली मटेरियल में हम जितनी भी प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ते हैं ना वो उसकी रिफ्लेक्शन ही आप हो से कम है। ठीक है यानी ये उसकी रिफ्लेक्शन ही है। अच्छा अब इसमें आ जाती है कुछ टाइप क्या है शेडेड है ब्लिन है फॉन्ग है ऑब्सोल्यूट हो चुकी है पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसी आप अपने आप को फील करें क्योंकि अब ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती अब सिर्फ एक यूनिवर्सल एक ही चीज़ है GGX उसको कहते हैं मटीरियल वो GGX हर रेंडर इंजन ने उसको इम्प्लीमेंट किया पहले जिस वक्त GGX नहीं था GGX आए हुए कुछ 2-3 साल ही में इससे पहले GGX जो था ना वो वीरे वाले अलग से देते थे अपने खास खास लोगों क्लाइंट्स को आप लोगों ने देखा होगा आज से 3-4 साल पहले वीरे के कुछ ना रेंडर्स निकलती बड़ी अच्छी क्वालिटी थी बंदा परेशान हो जाता देखते हुए यार ये गोरा किस तरह अच्छी क्वालिटी निकाल उसकी वजह ये थी कि गोरा एक अलग से प्लग इन परचेज करता था जो कि मटेरियल एडिटर के अंदर ना GGX मटेरियल टाइप होती वो प्लग इन वो इस्तेमाल करते थे उसके बाद जो उनकी क्वालिटी थी ना क्योंकि जो उसका एक्चुअली में जो मर्जी आप कर लें जो आपका शेडर है ना यानी जो मटेरियल है वही आपके रेंडर को उठाता है। अब ये पीछे आपके इसकी एग्जाम्पल है वुड की अलमारी पड़ी हुई है ना आपको फील हो रहा है क्या है कैसे फील हो रही लाइट फैली हुई है ना इसमें फैली हुई है हर तरफ यानी ये फुली रिफ्लेक्ट नहीं है अगर ये मिरर होगा ये कुछ थोड़ा सा मेटल होगा ना तो ये रिफ्लेक्शन जो है ना थोड़ी सी कम हो जाएगी यानी कि दूसरे लगने में क्या होगी ऐसे नहीं ए यो ऐसे हो जाएगी हाँ यानी श्रिंक हो जाएगी मतलब ये कि उसकी जिसको कहते हैं ना लाइट की रिफ्लेक्शन बिल्कुल माइनर सी हो जाएगी और अभी ये किस तरह है ये तकरीबन ऐसे ये तकरीबन इस तरह से फैली है अब देख रहे वाइट इसको मैं वाइट ही कर दूंगा ज्यादा बेहतर है यो इस तरह से ऐसे और अभी आपको इसमें थोड़ा सा दाने दाने से भी फील हो रहे हैं ग्रेन फील हो रहा है हल्के हल्के से दाने फील हो रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है वो एक्चुअली में नॉइज आपको इधर वाजी एक नॉइज का पैटर्न नजर आ रहा है आ रहा है ना हम इसका काम क्या करते हैं जस्ट सिंपल यहाँ से नॉइज दिया इधर नॉइज इसको मैंने यूं ड्रैग किया और ऐसे जब जैसे ये खाली स्लॉट नजर आ रही मैंने इसको इसमें लगा दिया स्पेकुलर में लगा दिया आपने देखा जैसे मैंने स्पेकुलर में लगाया कुछ थोड़ा सा बम्पीनेस हुई है फील हुई है मैंने इसको डबल क्लिक किया 25 है ना पहुंच कर दूँ तो भी ये ड्रैग का मैंने किस जगह पे
जहाँ से मर्जी लगा स्पेकुलर में भी लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया कि उधर इस तरह भी लग सकता है, इस तरह भी लग सकता है, यानी वो कोई वो लिमिटेशन नहीं है कि आपने उसको इधर ही इनपुट कर दिया, मतलब आपको जो स्लॉट एम्प्टी नज़र आ रही है उसके अंदर आपने लगा। अब ये फील किया हमने, नॉइज़ आना शुरू हो गई, यानी कैसी नॉइज, ऐसी नॉइज। अब ये नॉइज़ ये स्पेकुलर नॉइज है, ये नॉइज़ थोड़ी सी और भी बेहतर हो सकती है। कैसे, अगर मैं इसको बम्प में लगा, अब मैंने इसके आपके लिए बम्प में लगाया बम्प, अच्छा बम्पीनेस बहुत ज़्यादा, अभी भी पैटर्न बहुत बड़ा है, उसको देख के लग रहा है जो वुड की जो वॉल बनी हुई है पैटर्न बहुत बड़ा है। वन पे आ गया, ये आ गया ना बिल्कुल वही चीज़ बन गई। अब मैं इसको आता हूँ, अभी अब मुझे ना ये बम्पीनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, हाईलाइट उसकी वही है लेकिन जो बम्पीनेस है ना, मैं इसको टू पे ले आता हूँ। अब ये एक्यूरेट चीज बनी, टू पे क्या बना है वो देख रहे हैं आप, जहाँ पे सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके अलावा अगर आप वुड पे देखेंगे कहीं पे आपको बम्पीनेस नजर आ रही है, सिर्फ जहाँ पे लाइट पड़ रही है ना वहाँ पे बम्पीनेस। क्या हो रहा है हमारे मटेरियल में, जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे बम्पी है, जहाँ पर वो नहीं पड़ रही वहाँ पे वो नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है ना? तो क्या हुआ, हमने सिर्फ क्लेवरली कैसे खेला है, सिर्फ मटेरियल की दो से तीन से चार चीज़ों से हमने खेला बस, क्या स्पेकुलर ग्लॉसीनेस है और उसमें हमने एक वो नॉइज वाला पैटर्न, जैसे वुड में लग रहा था ना हमारे पास कि वो स्पेकुलर के अंदर नॉइज आ रही, और एक्चुअली में क्या है वो जो सरफेस टाइप है ना वो थोड़ी सी बम्पी है, लेकिन वो आँख को नज़र कब तक आती है, जिस वक्त उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, अगर उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही तो वो जो बम्प है उसके अंदर या वो जो नॉइज़ है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है।